नमस्कार, आप देख रहे हैं होली पर हमारी खास पेशकश। पंडित चंद्रशेखर शर्मा जी के साथ मैं हूं काजोल नारायण। इस बार होली का त्यौहार 28 से 29 मार्च को मनाया जा रहा है। वैसे तो होली पर कोरोना की गाइडलाइन का पालन कराने को लिए शासन प्रशासन ने कमर कस ली है, लेकिन होली का त्यौहार मनाने के लिए लोग भी तैयार हैं पूरे प्रोटोकॉल्स के साथ। वैसे तो होली का त्यौहार रंगों का त्यौहार है, लेकिन होली की पूजा बेहद अहम मानी जाती है। इसे ठीक तरह से करने से आप सुख का आनंद जीवन भर ले सकते हैं, लेकिन छोटी सी चूक से आपको नुकसान हो सकता है। तो ऐसे में आज हमारे साथ पंडित चंद्रशेखर शर्मा जी स्टूडियो में मौजूद हैं। वो हमें बताएंगे कि होली की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, होली की पूजा कैसे करनी चाहिए और रंग वाले दिन घर में पूजा कैसे करें, इससे क्या लाभ होगा और शनि की कृपा आप पर कैसी बनी रहेगी। होलिका दहन के दिन सुख समृद्धि और पारिवारिक उन्नति के लिए श्रद्धालु होलिका की पूजा करते हैं। कहते हैं होलिका मन की बुरी नहीं थी, लेकिन अपने भाई हिरण्यकश्यप के प्रभाव की वजह से प्रह्लाद को चिता पर लेकर बैठ गई थी ताकि प्रह्लाद अग्नि में जलकर परलोक चला जाए, लेकिन देव योग से होलिका स्वयं जलकर मृत्यु को प्राप्त हो गई। लेकिन ब्रह्मा जी की कृपा से होलिका को भी पूजनीय स्थान प्राप्त हो गया और होलिका दहन के लिए इकट्ठी की गई लकड़ियों के बीच होलिका भगवान विष्णु और अग्निदेव की पूजा की जाती है। पंडित जी, इस खास पेशकश में आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार पंडित जी। होली का त्यौहार वैसे तो रंगों का त्यौहार है, लेकिन होलिका दहन और होलिका पूजा बेहद महत्वपूर्ण होती है। तो आज हम आपसे जानना चाहेंगे ताकि हमारे दर्शक भी ये जान सके कि होलिका की पूजा कैसे होती है, होलिका दहन का समय क्या है, शुभ मुहूर्त क्या है और राशि पर कैसे इसका प्रभाव पड़ने वाला है। सबसे पहले बताइए कि होलिका की लकड़ियाँ जो रखते हैं और जो उपले बनाते हैं वो कैसे होते हैं। जी जी, धन्यवाद काजोल जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। श्री वर्चस्वमायुख्यमारोग्यमाविदाच्छोभमानं महीयते धनम धान्यम पशुम बहुपुत्र लाभम शतसंवत्सरम दीर्घमायुः। होलिका की पूजा उपले या बरकली से होली के दिन होलिका की पूजा के लिए कई स्थानों में महिलाओं द्वारा गाय के गोबर से छोटे छोटे उपले बनाए जाते हैं, जिनमें बीच का स्थान खाली होता उसे बरकली कहा जाता है। कहीं कहीं ने बलगुरियां भी कहते हैं। बरकली की सात मालाएं बनाकर होलिका की पूजा के समय होलिका को बरकली की माला पहनाया जाता है। कहते हैं कि इससे घर में बरकत आती है। होलिका दहन पर भद्रा का साया इस समय तक। पंडित जी देखिए, इस बार कहा जा रहा है कि होलिका पर भद्रा का साया जो है काफी लंबे समय तक रहने वाला है, तो क्या ये तिथि होगी, कैसे होगा बताइए हमें। 28 मार्च होलिका दहन के दिन सुबह 3:27 से पूर्णिमा तिथि लग रही है, जो 28 तारीख को रात 12:18 पर समाप्त हो जाएगी। इस बार होली पर पूर्णिमा के साथ ही भद्रा का प्रवेश हो जाएगा, लेकिन दिन में 1:53 पर भद्रा का साया हट जाएगा और प्रदोष काल में होलिका दहन किया जाना शास्त्र सम्मत होगा। जी, इसके साथ ये तो हमने जान लिया कि भद्रा कब से शुरू होगा और कब तक खत्म होगा। होलिका पूजन का समय पंडित जी क्या रहने वाला है, क्योंकि होलिका पूजन का सबसे ज़्यादा महत्व माना गया है और होलिका पूजन के बिना होली का त्यौहार अधूरा है। होली के अवसर पर 28 मार्च को सुबह 9:20 से 10:53 तक लाभ चौघड़िया रहेगा। जी, अमृत काल इसके बाद 12:26 तक होगा। इसके बाद दोपहर बाद भद्रा समाप्त होने के बाद 1:58 से 3:31 तक शुभ चौघड़िया में होलिका पूजन करना शुभ रहेगा। जी पंडित जी देखिए, ये तो हमने जान लिया कि होलिका पूजन का समय क्या है। देखिए होलिका पूजन भी होता है और होलिका हम काफ़ी दिन पहले ही रख लेते हैं, चाहे वो लकड़ियों के ढेर का हो, चाहे वो गोबर के उपले का ढेर का हो। उसके बाद होलिका दहन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसका शुभ समय क्या है। जी, इस बार प्रदोष काल में भद्रा का साया नहीं होना बहुत दुर्लभ और शुभ संयोग है। जी, ऐसे में शाम 6:36 से 8:30 तक शुभ योग और 8:03 से 9:30 तक अमृत काल का शुभ संयोग रहेगा। इस दौरान होलिका दहन करना शास्त्र सम्मत उचित रहेगा।
जी पंडित जी, हमने होलिका दहन का समय जान लिया, शुभ मुहूर्त क्या है, पूजन का वो भी जान लिया, लेकिन पूजा में हमें क्या चीज़ें रखनी चाहिए, इस्तेमाल कैसे करना चाहिए? और ये भी बताया जाता है कि होलिका की जब राख ठंडी हो जाती है तो उसे घर में भी लाया जाता है, बहुत वो शुभ मानी जाती है, ऐसी तमाम जो चीज़ें हैं वो प्रचलित हैं। जी जी, ये अपने अपने यहाँ की परंपराएं प्रचलित हैं जी, उनके द्वारा है। लेकिन आपने जो पूछा है किस राशि को किस अनुसार से पूजा करनी चाहिए, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं मेष राशि की बताता हूँ। मेष राशि वाले जातकों को माता दुर्गा जी की पूजा करनी चाहिए और इमरती या मोतीचूर के लड्डू का भोग लगाएं और लाल रंग चढ़ाएं। इससे क्या लाभ होगा पंडित जी? इससे इनके लिए सारी दिक्कतें खत्म होंगी, इनकी राशि के लिए शुभ है जी। अगली राशि वृषभ राशि है, वृषभ राशि के जातकों के लिए होली पूजन कैसा रहने वाला है, होली का त्यौहार कैसे रहने वाला है? वृषभ राशि के जातकों को माँ लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए जी, नारियल या दूध से बनी मिठाई का भोग लगाएं और क्रीम कलर या सफेद या हरा रंग लगाना चाहिए, इससे इनकी उन्नति होगी। मिथुन राशि के जातकों के लिए क्या खास है इस बार होली के त्यौहार पर? मिथुन राशि के जातकों को गणेश जी की पूजा करें, दीप बा लड्डू का भोग लगाएं और लाल या हरा रंग चढ़ाएं, इससे इनके लिए उत्थान होगा। बिल्कुल पंडित जी, और कर्क राशि के जो जातक हैं उनके लिए ये होली कितनी खास रहने वाली है, कितनी अच्छी रहने वाली है, कितनी सुखी रहने वाली है? जी, कर्क राशि के जो जातक हैं जी, उनको शिव जी या चंद्रदेव की पूजा करनी चाहिए, सफेद रंग लगाएं और मिश्री का भोग लगाना इनके लिए श्रेयस्कर है। अगली राशि सिंह राशि है, तो सिंह राशि के जो जातक हैं उनके लिए भी पंडित जी से जान लेते हैं कि होली का त्यौहार कैसे रहने वाला है। जी जी, सिंह राशि के जातकों के लिए थोड़ा अज्ञात भय तो रहेगा ही, थोड़ा शरीर के लिए स्वास्थ्य के लिए थोड़ा अच्छा नहीं है, इसके लिए इन्हें सूर्यदेव अथवा देवी दुर्गा की पूजा करें जी, और लाल रंग का प्रयोग करें एवं भोग में गुलाब जामुन का भोग लगाएं, ये इनके लिए श्रेष्ठ रहेगा। बिल्कुल पंडित जी, और कन्या राशि के जातकों के लिए क्या खास रहेगा होली पे और उन्हें क्या विशेष करना चाहिए? कन्या राशि के जातक भी मन से अशांत रहेंगे, जीवन साथी को भी इनके कष्ट रह सकता है जी, इसके लिए इन्हें गणेश जी अथवा ब्रह्मा जी की पूजा करनी चाहिए, हरे रंग का प्रयोग करना चाहिए और बेसन की बनी हुई वस्तु का, बेसन की सोन पापड़ी है या लड्डू है, उसका भोग लगाना चाहिए। बिल्कुल, तुला राशि के जातकों के लिए ये होली का त्यौहार कितनी खुशियाँ लेकर आ रहा है? जी, इनके लिए काफ़ी भागदौड़ वाला समय रहेगा जी, लेकिन उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे। तुला राशि वाले जातकों को माँ लक्ष्मी और शिव की आराधना करनी चाहिए, दूध से बनी वस्तु का भोग लगाना चाहिए और हरे या क्रीम रंग का प्रयोग करें। बिल्कुल पंडित जी, अगली राशि का रुख करूँ, उससे पहले एक सवाल है कि होली का दहन, होली की पूजन हम करते हैं, लेकिन जिस दिन रंग होता है, जिस दिन, क्योंकि रंगों का त्यौहार है, उस दिन घर में कैसे विशेष पूजा करनी चाहिए, इससे क्या लाभ हो सकते हैं? होली के दूसरे दिन कुछ जगह हनुमान जी की पूजा भी करी जाती है, कुछ लोग नरसिंह भगवान की पूजा करते हैं, तो इसके लिए सबसे अच्छा है अपना सुबह नहा धोकर अपना भगवान का पूजन करें, उसके बाद अपने यथेष्ट इष्ट मित्रों के लिए माथे पर टीका लगाएं, उनको जौ देकर उनसे उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करें, उनके लिए राम राम बोलें या जैसा भी आपके यहाँ प्रचलित है करें और स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना करें। बिल्कुल पंडित जी, अगली राशि का रुख करेंगे, वृश्चिक राशि है, वृश्चिक राशि के जो जातक हैं वो कैसे अपनी होली को और ज़्यादा विशेष तौर पर अच्छी बना सकते हैं और स्वास्थ्य के लिहाज से अच्छा कर सकते हैं? जी, देवी दुर्गा की पूजा करें और लाल वस्त्र पहनाएं, खीर का भोग लगाएं और माँ के लिए लाल रंग भी लगाएं, इससे वृश्चिक राशि वालों को बहुत अच्छा रहेगा और धैर्य की कमी ना रहे। चलिए, तो वृश्चिक राशि के जातकों के बारे में हमने जाना कि उन्हें किस तरह से पूजा करनी चाहिए, विशेष तौर पर अब धनी राशि का रुख करेंगे, धनु राशि के जो जातक हैं उनके लिए होली का त्यौहार कितना महत्वपूर्ण हो सकता है, कितना फलदायी हो सकती है ये पूजन? धनु राशि के जो जातक हैं उनको आवेश पे थोड़ा अपने पे कंट्रोल करना पड़ेगा और ब्रह्मा जी या लक्ष्मी जी की पूजा करें, गेहूं से बनी वस्तु का भोग लगाएं और पीले या गुलाबी रंग का प्रयोग करें। अगली राशि मकर राशि है, मकर राशि के जो जातक हैं उनके बारे में भी जान लेते हैं पंडित जी से कि उनकी जो होली है वो कैसे रहने वाली है। मकर राशि वालों की होली बहुत अच्छी रहनी चाहिए, उन्हें माँ कालिका या शनिदेव की पूजा करें जी,
तिली के तेल से बनी हुई वस्तु का भोग लगाएं और काले और हरे रंग का प्रयोग करना श्रेयस कर है। अगली राशि कुंभ राशि है, कुंभ राशि का रुख करेंगे। पंडित जी, कुंभ राशि के जो जातक है इनके लिए शनिदेव या बजरंग बली की पूजा करना होली के दिन कैसा रहेगा? हाँ जी, कुंभ राशि वालों को थोड़ा स्वास्थ्य में और थोड़ा मानसिक तनाव रहेगा, इनके लिए शनिदेव की या बजरंग बली की पूजा अर्चना करनी चाहिए जी। काला रंग या हरा रंग और गुड़ तथा चने का भोग लगाना चाहिए, इससे इनका कल्याण होगा। पंडित जी, अगली और आखिरी राशि मीन राशि है। मीन राशि के जो जातक हैं उनके लिए ये होली कितने खुशियों भरी रहने वाली है? आवेश के अतिरेक से बचना होगा जी। और मीन राशि वाले जातक भगवान सत्यनारायण की पूजा करें, हलवे का भोग व पीले या गुलाबी रंग का प्रयोग करें। पंडित जी, देखिए पूजन का समय हमने जान लिया है, होलिका दहन का समय हमने जान लिया है, राशि अनुसार भी आपने सभी जातकों को बता दिया है कि किस तरह के वो जो आपने अनुष्ठान बताए हैं वो पूरे कर सकते हैं। लेकिन जो कई तरह बार हमने देखा है कि कुछ लोगों के जीवन में कई तरह की बाधाएं रहती हैं, तो इस होली पर उन्हें क्या ऐसा करना चाहिए कि जो उनकी बाधाएं हैं वो दूर हो जाएं? जी, जानकारों के अनुसार जलती हुई होली की अग्नि के चारों ओर 7 बार परिक्रमा करने के बाद नारियल पान सुपारी डालने से नौकरी व कार्यों में असफलता संबंधित बाधाएं दूर हो सकती हैं। जी। वहीं ग्रह क्लेश को दूर करने के लिए जौ का आटा होली की अग्नि में डालने से ग्रह शांति भी मिल सकती है, ग्रह पीड़ा से जो पीड़ित हैं उनके लिए ग्रह शांति मिल सकती है। जबकि गाय के गोबर से बने कंडे के साथ जौ, अलसी के दाने या राई के दाने होली की आग में डालने से बुरी नज़र भी दूर हो सकती है। इसके अलावा होली की ठंडी भस्म को शरीर पर लगाने से स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। बिल्कुल पंडित जी, सब कुछ हमने जान लिया है। आखिर में बस एक और बात आपसे पूछना चाहूंगी कि इस बार होली पर शनि की जो कृपा है वो लोगों पर कैसी रहने वाली है, इस त्यौहार पर कैसे रहने वाली है? शनि की दृष्टि इस बार होली पर सभी ग्रहों पर, सभी राशियों पर अच्छी रहेगी जी। इसके लिए वैसे फिर भी एक काम सभी राशि वालों को करना चाहिए, होलिका दहन के समय में कपूर, लौंग, इलायची, इसके साथ में एक जायफल और कुछ एक चुटकी काले तिल भी ले सकते हैं, उनको लेकर शनि देव से प्रार्थना करते हुए होलिका दहन में भस्म कर देना चाहिए। बिल्कुल पंडित जी, बहुत शुक्रिया आपका, तमाम जो उपाय आपने बताए हैं जातकों के लिए। और इसके साथ ही हम उम्मीद करते हैं कि ये जो उपाय पंडित जी ने बताए हैं वो लाभकारी होंगे, गुणकारी होंगे आप लोगों के लिए, तो ज़रूर करिएगा क्योंकि कल होलिका दहन है, उसके बाद रंगों का त्यौहार होली है। तो हम आपसे यही आग्रह करते हैं कि होली का जो त्यौहार है पूरे ही शांतिपूर्वक तरीके से मनाएं और कोरोना प्रोटोकॉल्स का पालन करें। तब तक के लिए नमस्कार। ओम नमः शिवाय। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम नमः शिवाय।